नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल भारत निर्माण पर आपका स्वागत है। हमने फिल्में बहुत देखी हैं। जब भी हम फिल्मों में देखते हैं तो हमें पुलिस वाले सिंघम के रूप में नज़र आते हैं। अगर हम सीरियल देखते हैं तो हमें कॉमेडी करते हुए नज़र आ जाते हैं। किसी फिल्म में बहुत बुरे नज़र आ जाते हैं, किसी फिल्म में बहुत अच्छे नज़र आ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं आज फिल्मों की बात क्यों कर रहा हूँ, तो बताता हूँ। परसों की घटना है, आगरा में एक सफाई कर्मचारी पर ये आरोप लगा कि उसने एक कंपनी से 25 लाख रुपए चुरा लिए हैं। इसको लेकर वहाँ के पुलिस वालों ने उसे शाम को गिरफ्तार किया और रात भर थाने में उसे इतना मारा गया कि उसकी सुबह मृत्यु हो गई। ये मामला राजनीतिक हो गया। प्रियंका गांधी वहाँ पर पहुँच गई, बड़े नेता वहाँ पर पहुँच गए, वहाँ पर उन नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी माँ का बयान है कि चोरी पुलिस वालों ने करवाई थी। जब वो पुलिस वालों के नाम उजागर करने लगा तो वो मुंह ना खोल दे, इसलिए उसे मार डाला गया। ऐसी ही खबर 2020 में आपने सुनी है, हमने देखी कि पूरा भारत उस खबर से हिल गया था। दो पिता और पुत्र थे, पिता का नाम जयराम था और पुत्र का नाम था बेनिक्स। दोनों ने लॉकडाउन के समय दुकान खोल रखी थी। नियम था कि 8 बजे के बाद आप दुकान नहीं खोल सकते, लेकिन उन दोनों ने दुकान खोल रखी थी और इसी को लेकर उनमें और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई। बाद में पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया और उन दोनों को रात भर इतना मारा गया कि दोनों पिता पुत्र की सुबह मौत हो गई। ये सब मैं बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत में पुलिस व्यवस्था के बारे में और पुलिस प्रशासन के बारे में। और आज हम ये जानेंगे कि आखिर भारत के पुलिस वाले ऐसा क्यों करते हैं, या भारत में इतने लोग क्यों मार दिए जाते हैं पुलिस कस्टडी में। आज हम बात कर रहे हैं कस्टोडियल डेथ की, कि कैसे लोगों को थानों में मार दिया जाता है और इसके कारण क्या है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने के पहले पूरी वीडियो आप लोग देख लेना। भारत में जो पुलिस है ये 1857 की क्रांति के बाद बनाई गई। 1857 की क्रांति से जब भारत में अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा कि भारत के लोग कभी भी हाथ से निकल सकते हैं, तो रानी, वहाँ की रानी विक्टोरिया ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया और 1861 का भारत शासन अधिनियम लाया। उसमें पहली बार भारत में पुलिस की स्थापना की गई। भारत के अंदर उनका मानना था कि आगे कोई ऐसा आंदोलन ना हो, इसलिए उन्होंने पुलिस व्यवस्था की स्थापना की। और ये पुलिस मेन रूप से इसलिए बनाई गई थी कि वो अंग्रेजों के कहने पर ही काम करे और किसी को भी तुरंत मार दे जैसे ही अंग्रेज आदेश दें, जिससे कि कोई बड़ा विद्रोह ना हो। 1902 और 3 में एक आयोग का गठन किया गया, उसका नाम था फ्रेजर आयोग। लॉर्ड कर्जन ने इसका गठन किया था। इसी पुलिस की बदौलत 1905 में उसने बंगाल का विभाजन करवा दिया था। और लॉर्ड कर्जन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में जो पुलिस बनाई गई है ये सबसे भ्रष्ट पुलिस है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करती है। इसी पुलिस की बदौलत 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए। 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम लाया गया जिसके तहत पुलिस को और पावर दे दी गई और पावर पूरी की पूरी कलेक्टर के हाथ में हुआ करती थी। तो भारत में ये वही पुलिस है जो अंग्रेजों के समय बनाई गई थी, यानी कि जो अंग्रेजों ने अपने लिए पुलिस बनाई थी वही पुलिस आज भी भारत में काम कर रही है। तो इसका हम कारण देखेंगे कि क्या सुधार किए जा सकते हैं और पुलिस ऐसा क्यों करती है। तो हम बात करते हैं, पहले हम कुछ आंकड़े देख लेते हैं। सन 2019 और 20 का अब जब आंकड़ा देखते हैं तो पता लगता है 1733 कस्टोडियल डेथ हुई थी, 1606 जुडिशियल डेथ हुई थी और 125 पुलिस कस्टडी में डेथ हुई। कस्टोडियल या जुडिशियल डेथ का मतलब होता है जब मजिस्ट्रेट के पास मामला पहुंच जाता है और जेल में जाने के बाद उन्हें मार दिया जाता है। और पुलिस कस्टडी का मतलब होता है कि पुलिस वाले जब गिरफ्तार करते हैं तब टॉर्चर करके थाने में ही मार दिया जाता है। दोनों में यह डिफरेंस होता है। भारत में पिछले 3 सालों में 5221 लोगों को कस्टडी में मार दिया गया, यानी पुलिस वालों के जरिए 3 सालों में 5221 लोगों को मारा गया। वहीं अमेरिका में सिर्फ एक आदमी को मारा गया था हाल ही में और उसको लेकर ब्लैक
मोमेंट चलाया गया था, एक ब्लैक आंदोलन चलाया गया था, पूरे अमेरिका का कानून बदलना पड़ा था, पूरे अमेरिका की पुलिस ने वहाँ के लोगों से माफ़ी मांगी थी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत की मीडिया, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये चैनल स्पेशली मीडिया के खिलाफ ही बना हुआ है, मीडिया को इस इन चीज़ों पर कोई खबर दिखाने का समय नहीं है। और दूसरा, पुलिस ऐसा क्यों करती है, हम आते हैं इस बात पर। तो याद रखिए, अगर आप संविधान की जानकारी रखते हैं तो जो पुलिस है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, वो राज्य सरकार का विषय है। यानी पुलिस को राज्य सरकारें कंट्रोल करती हैं और राज्य सरकारों में नेता पुलिस को कंट्रोल करते हैं, नेता पुलिस को कंट्रोल करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि पुलिस पर हमेशा इस बात का दबाव होता है कि नेता उनका कहीं भी कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ भी उनके साथ किया जा सकता है, इसलिए उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है काम करने का। हम हमेशा पुलिस के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे क्या हम सही सोचते हैं उनके बारे में। तो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा दबाव होता है उनके ऊपर नेताओं का, नेता उन पर हमेशा दबाव बना के रखते हैं और उन्हें भी अपनी नौकरी और इज्जत बचानी होती है, इसलिए नेताओं के दबाव में आके वो काम करते हैं, ये बात दुनिया से छिपी नहीं है। तो कारण क्या है कि इतने लोगों को मार देने के बाद भी पुलिस वाले बच कैसे जाते हैं और वो ऐसा करते क्यों हैं, इस बात पर हम बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे कि वो ये सब करने के बाद पुलिस वाले बच कैसे जाते हैं, उनको सज़ा क्यों नहीं होती, और दूसरा हम जानेंगे कि वो ऐसा करते क्यों हैं, लोगों को कैसे मार देते हैं। तो पहले बात करते हैं वो कैसे बच जाते हैं। तो पहली लाइन में, एक ही लाइन में समझ सकते हो, पुलिस और नेता, पॉलिटिशियंस आपस में बिल्कुल मिले होते हैं। पुलिस और नेता का एक नेक्सस होता है, नेताओं के कहने पर ही पुलिस कोई कदम उठाती है, यानी कोई भी ऑर्डर होता है वो नेताओं से प्राप्त होता है, इसलिए पूरी तरह से एक नेक्सस बना हुआ है पुलिस और नेताओं का। जब नेता कोई गलत काम करते हैं तो पुलिस उसको ढक लेती है, जब पुलिस कोई काम करता है तो नेता उसको ढक लेते हैं, ये एक तरह का नेक्सस है। एक चार्ट में लगा रहा हूँ, इसे देखिए, आपको पता लगेगा। भारत में 50% नेता सीवियर क्रिमिनल हैं, यानी उन्होंने कोई ना कोई अपराध किया है, 50% नेता। जिसमें आप लिस्ट में देखिए तो सबसे ज़्यादा जेडीयू पार्टी है, जेडीयू पार्टी में 81% लोग क्रिमिनल हैं। दूसरे नंबर पर शिवसेना आती है, इसके 61% लोग क्रिमिनल हैं। तीसरे नंबर पे कांग्रेस है, 57% क्रिमिनल है इसके अंदर। चौथे नंबर पे सपा पार्टी, 53% इसमें क्रिमिनल है। पाँचवें नंबर पर बीजेपी पार्टी है, जिसमें 40% से ज़्यादा लोग क्रिमिनल हैं। ये डेटा आप देख लीजिए, अंदाज़ा लगाइए कि भारत में जो हमने नेता चुन रखे हैं वो 50% से ज़्यादा नेता तो क्रिमिनल हैं, किसी न किसी तरह का उन्होंने क्राइम कर रखा है, इस तरह से वो नेता बने हुए हैं। हाल ही की एक रिपोर्ट आप देखिए, सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को गवर्नमेंट का तोता कहा था। सीबीआई का उपयोग हमेशा ही केंद्र सरकार अपनी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ करती आई है, हमेशा से, कोई भी सरकार रही हो उसने हमेशा ऐसा किया है। तो ये तो कारण है उनके बच जाने के। अब हम ये जानेंगे कि पुलिस वाले आखिर ऐसा करते क्यों हैं। पहला पॉइंट है ट्रेनिंग। इनकी जो ट्रेनिंग है, पुलिस की जो ट्रेनिंग है, वो आज भी विक्टोरियन काल की है। विक्टोरिया मतलब जब रानी विक्टोरिया के समय पुलिस बनाई गई थी, जिस तरह से उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी कि कोई भी हमारे खिलाफ जैसे ही कुछ बोले आप सीधा डंडा चला दो, वही आज पुलिस का भी नियम है कि कुछ भी करते हुए उसे एथिक्स की नॉलेज नहीं दी गई ट्रेनिंग के अंदर, उन्हें एथिक्स नहीं पढ़ाया गया, सिर्फ उन्हें यही पढ़ाया गया कि कैसे डंडा चलाना है। ये पहला कारण है ट्रेनिंग। दूसरा कारण, एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस। भारत में हिंसा को मान्यता प्राप्त है। एक रिपोर्ट में लगाता हूँ, आप इसे पढ़िए। भारत में पुलिस और जनता दोनों चाहते हैं, दोनों मानते हैं कि किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए हिंसा करना बहुत ज़रूरी है। 70-80% पुलिस वालों का मानना है कि कोई भी केस सॉल्व करने के लिए हिंसा करना बहुत ज़रूरी है। वहीं 65-70% जनता का भी यही मानना है कि हाँ, केस को सॉल्व करने के लिए हिंसा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है कि दोषी शब्द, यहाँ मैंने जो भी शब्द बात प्रयोग किया है, दोषी, और दोषी का मतलब ये नहीं कि उसने कोई, उसके ऊपर कोई क्राइम सिद्ध हो गया है, यानी किसी के ऊपर FIR हो गई तो उसको दोषी मान लिया जाता है, जब तक कि उस पर दोष सिद्ध ना हो जाए उसे अपराधी नहीं करार दिया जाता। लेकिन हमारा मानना है कि नहीं, हमें हिंसा करनी चाहिए, ये यहाँ की जनता भी मानती है और यहाँ की पुलिस भी मानती है। दूसरा कारण यह है कि हमारे यहाँ पहली प्रॉब्लम ट्रेनिंग में है,
दूसरी प्रॉब्लम है कि हम एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस करते हैं जिसमें हमने हिंसा को मान्यता दे रखी। ये कारण, चौथा कारण की बात मैं करता हूँ, वर्किंग कंडीशन। पुलिस वालों के जो काम का दिनचर्या है वो बहुत ही बुरी है, दयनीय है भारत के पुलिस की व्यवस्था। आपको मैं बताता हूँ, भारत में ऑरेंज पुलिस वाले की जॉब 14 घंटे की होती है। एक इंसान 14 घंटे तक काम करता है, इससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन को वो किसी न किसी रूप से निकालता है। दूसरा है, इसमें न खाने का समय है, न पीने का समय है, न जॉब का कोई परमानेंट टाइम है, ना ही कोई वीकली छुट्टी है, ना ही इसमें किसी तरह की कोई व्यवस्था है। इससे पुलिस काम करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो गुस्से में आके अपना फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी तरह से निकाल देती है जनता पे। और कारण बताता हूँ, जैसे हमारी भारत की पुलिस की जो स्थिति है वो अंडर स्टाफ है। अंडर स्टाफ का मतलब क्या है? अंडर स्टाफ का मतलब है जितने पुलिस वालों की हमें ज़रूरत है उससे कम हमारे देश के अंदर पुलिस है। ये रिपोर्ट लगी, इसको आप देख लीजिए, यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 1,00,000 की जनसंख्या पर 222 पुलिस वाले होने चाहिए काम करने के लिए, लेकिन भारत में केवल 82 पुलिस काम करती हैं। अंदाजा लगाइए कि कितना ज़्यादा काम है पुलिस के पास, एक पुलिस के पास कितना ज़्यादा काम है, और इससे उसके पास काम बहुत बढ़ जाता है। और जब काम होता है ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, तो शरीर फ्रस्ट्रेट होता है, दिमाग पर प्रेशर आता है और यह हिंसा का कारण बनता है। आगे है, यहाँ पर इनको कोई वीकली छुट्टी नहीं मिलती, साप्ताहिक कोई भी छुट्टी नहीं है जिससे अपने आप को रिफ्रेश कर पाएँ, अपने आप को फिर से जॉब के लिए तैयार कर पाएँ। एक रिपोर्ट आप पढ़िए, इसमें बताया गया है कि 37% पुलिस वाले ये मानते हैं कि अगर हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाए, तो हम पुलिस की नौकरी छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर है। चौथा कारण, इसमें मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, दिमाग में बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा काम का दबाव है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। एक रिपोर्ट में बताता हूँ, पिछले 5 सालों में 930 पुलिस वालों ने सुसाइड कर लिया है। कारण क्या है? उन बेचारों को छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। कई पुलिस वाले इसमें ऐसे हैं, रिपोर्ट में आप पढ़िए, जिनकी माँ मर गई, जिनके पिता मर गए, लेकिन उनकी छुट्टियाँ पास नहीं हुई, और इससे वो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये कारण है भारत में पुलिस द्वारा हिंसा किए जाने के। उनको नेताओं का सह प्राप्त है, उनके पास इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है। भारत में केवल 6% पुलिस वालों को ट्रेनिंग प्राप्त है। जितनी भी ट्रेनिंग पुलिस वालों को मिलती है, केवल एक बार ट्रेनिंग जब वो ज्वाइन करते हैं तभी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, वरना उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग का कोई मौका नहीं मिलता है। ये रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ 2006 में प्रकाश सिंह की रिपोर्ट आई थी। प्रकाश सिंह एक सीनियर IAS ऑफिसर थे, उन्होंने पुलिस की व्यवस्था पर काम किया और उन्होंने बताया कि भारत में जो पुलिस व्यवस्था है वो कितनी ख़राब है, यहाँ के जो कांस्टेबल लेवल या छोटे लेवल के जो अधिकारी हैं उनको कितना ज़्यादा प्रेशर है काम करने का और कितना वो परेशान रहते हैं। इस पर 2006 में प्रकाश सिंह की रिपोर्ट आई थी, उसे आप पढ़ लेना, मैं लगा दूंगा यहाँ पे। हम क्या कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं? पहला सुधार हो सकता है ट्रेनिंग को बहुत अच्छा बनाया जाए, ट्रेनिंग को मॉडर्न बनाया जाए और ट्रेनिंग को सॉफ्ट ट्रेनिंग किया जाए, ना कि विक्टोरियन जो अंग्रेजों के समय की ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग दी जाए। पहला है, हमें एथिक्स सिखाना है, एथिक्स की पढ़ाई करवाई जाए जो कि ट्रेनिंग में नहीं करवाई जाती है। दूसरा है स्टाफिंग की कमी को दूर किया जाए। 222 लोगों का काम 82 लोग कर रहे हैं भारत में, तो स्टाफ की कमी है इसलिए काम ज़्यादा है, और काम ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा जिससे क्राइम बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं। तीसरा है पेमेंट यानी कि तनख्वाह। पुलिस की तनख्वाह बहुत ज़्यादा कम है, 14 से लेकर 24 घंटे तक की इनकी लगातार की जॉब है, 14 घंटे से लेकर 24 घंटे तक की लगातार जॉब है पुलिस की, और उसमें भी इनकी तनख्वाह 20,000, 22,000, 24,000 ज़्यादा नहीं है। और दूसरा कारण, इन्हें पेट्रोल का भी अपने पैसे से भराना पड़ता है, कभी कागज, कभी पेंसिल का पैसा, कभी अपने ही जेब से देना होता है, ये इनके स्ट्रेस और भ्रष्टाचार का कारण है। तो इनकी तनख्वाह को भी बढ़ाना चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचार और इनके टेंशन में थोड़ी सी कमी आए। चौथा, इक्विपमेंट, संसाधन। हमने पुलिस को ठाए ठाए मुँह से करते हुए वाले वीडियो तो देखे होंगे और देख के बहुत हंसे भी होंगे, लेकिन हमने अपने नेताओं से कभी सवाल नहीं किया कि आखिर भारत की पुलिस की ऐसी स्थिति क्यों है कि इनके बेचारों के पास अच्छी बंदूकें नहीं हैं। मुँह से ठाए ठाए करते हैं, कभी कोई, जैसे कानपुर में बहुत सारे
पुलिस वालों को मार दिया गया। तो हमें अपने नेताओं से सवाल भी करना चाहिए पुलिस के प्रति कि मुंह से ठाए ठाए कर रही, तो ये हंसने का विषय नहीं, ये शर्मिंदगी का विषय है कि उनके पास इक्विपमेंट क्यों नहीं है। ये हमें अपने सरकारों से सवाल करना चाहिए। चौथा, पनिशमेंट। अगर कोई पुलिस वाला गलत करता है तो उसको कठिन से कठिन, कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए समाज में कि आप देश की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। मैंने इतनी बातें आपको बताई हैं पुलिस सुधार से संबंधित, जिससे कि आपका पुलिस को देखने का एक नज़रिया बदले, क्योंकि हमने पुलिस को हमेशा एक विलेन के रूप में ही देखा है, लेकिन हमने उनकी प्रॉब्लम को कभी समझने की कोशिश भी नहीं की है। हम चाहते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझिए, क्योंकि जो भी पुलिस में भर्ती हो रहा है वो कोई हमारा ही है, कोई हमारा स्टूडेंट है, कोई आपका भाई है, तो हमें उसकी प्रॉब्लम्स को भी समझना है। मैं यहाँ किसी भी मर्डर को जस्टिफाइड करने नहीं आया हूँ, मैं बताने आया हूँ कि ये किन परिस्थितियों में किए जाते हैं, इनके लिए जिम्मेदार कौन है। इनके लिए मेन रूप से जिम्मेदार हमारे नेता हैं। 2006 की जो प्रकाश सिंह की रिपोर्ट है उसमें साफ साफ कहा गया था कि पुलिस को इंडिपेंडेंस जुडिशरी कर दिया जाए जैसे कि आर्मी, लेकिन भारत के नेता कभी भी पुलिस को अपने आप से अलग नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि नेताओं की पहली और सबसे मजबूत ताकत है पुलिस। पुलिस जब अलग हो जाएगी तो नेताओं की ताकत खत्म हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने पुलिस को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इतनी जानकारी मुझे लगता है आज के लिए पर्याप्त है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, जानकारियाँ अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं बीच में भी कहीं भी कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ, अगर कोई मेहनत करता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे आगे बढ़ाएं आप। धन्यवाद।